सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। कानपुर में 85,000 घरों को लगेगा टैक्स। जीआईएस सर्वे के बाद नई संपत्ति का हुआ सर्वे। 58 करोड़ रुपए वसूलेगा नगर निगम। बरेली में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन। एएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रामपुर रोड में लगेगा जॉब मेला। विकास दुबे के भांजे लेखपाल को डीएम ने हटाया। भूमाफिया के मिली भगत से मामले में एक और सस्पेक्ट। आगरा में बालक के अपहरण का प्रयास, लोगों ने पकड़ कर लिया, किया पुलिस के हवाले। सोनभद्र में हर्ष फायरिंग में सेना के जवान की मौत, अस्पताल लाने वाले फरार। पति को किया किस तो लोगों ने पीटा। अयोध्या की राम की पैड़ी में स्नान करते समय डंडों से पीटा। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में करेंगे मतदान। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिन रामपुर में रहेंगे। चंदौली में युवाओं से पूर्व सैनिकों की अपील, बोले सकारात्मक पहल से मिलेगी मंजिल, बहकाने वालों से बनाए दूरी। आगरा में घर से भागकर बॉर्डर पहुंचा मनोरोगी, बीएसएफ ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा प्रयागराज जंक्शन। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे की ओर से हुई शुरू तैयारियां। अमरोहा में दुष्कर्मी को उम्र कैद, नाबालिग के साथ किया था रेप, 33,000 का लगा जुर्माना। बिजनौर में शादी का झांसा देकर बीए की छात्रा से रेप, 5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सुल्तानपुर में विदेश भेजने के नाम पर यहां जालसाज चला रहे रैकेट, 50 से अधिक बेरोजगारों को बनाया ठगी का शिकार। बदायूं में पूर्व विधायक पर चौथी पत्नी ने लिखाया मुकदमा। बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम भी एफआईआर में शामिल। सहारनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। हरियाणा सहित यूपी के 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अग्निपथ पर युवाओं के समर्थन में वरुण ट्वीट कर कहा मुकदमे की धमकी से डरा रही सरकार। कन्नौज जिला अस्पताल में व्यवस्था बदहाल, बिजली गुल, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का हो रहा इलाज, अधिकारी बौन। बरेली में यूपी के सालवर गैंग पर एसटीएफ का शिकंजा। 6 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर कई माफियाओं पर नजर। मथुरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की कार्रवाई, मथुरा में पनीर प्लांट पर छापा। कौशाम्बी में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत, बालू लदे डंफर ने बाइक को मारी टक्कर। बहराइच में शादी समारोह में खाना कब पड़ने पर भिड़े बाराती, मारपीट में आधा दर्जन घायल। भदोही में किसान सभा ने अग्निपथ योजना का किया विरोध, डीएम को दिया राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। फरुखाबाद में फेसबुक पर मिली लड़की से शादी करने पाकिस्तान पहुंचा शख्स, अब ग्रैंड वेलकम की हो रही तैयारी। आगरा में सपा के पूर्व विधायक की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। फिरोजाबाद में शादी की पहली वर्षगांठ पर युवक ने किया आत्महत्या, पत्नी की साड़ी से लगाकर की जान। आजमगढ़ बेटे ने पिता और भाई को मारी गोली, मौत, प्रॉपर्टी में बंटवारे और खर्चे को लेकर हुआ था विवाद, घटनास्थल पहुंचे एसपी, आरोपी हिरासत में। मेरठ की शक्की बाप ने बेटी को मार डाला, पिता ने मुंह दबाया और चचेरे भाई ने मारी गोली, बोला चाल चलन से घुट रहा था। मुरादाबाद में सीएम के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं में चले लात, घुसे हवाई पट्टी पर भाजपा नेता रामवीर सिंह और गिरीश वर्मा में मारपीट।
मैनपुरी में सीएम योगी ने चकबंदी अधिकारी को किया निलंबित, 15 दिन पहले अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। बदायूं में एसिड अटैक के आरोपी सिपाही को क्लीन चिट, महिला होमगार्ड ने दो लोगों पर लिखाई थी एफआईआर। औरैया में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान एवं आवास में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर सर्विस ने आग पर पाया काबू। अयोध्या पहुंची भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी यात्रियों का भव्य रूप से स्वागत किया। बदायूं में सिपाही पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। देवरिया में पिता के हथियारों पर कार्रवाई के लिए पुत्र ने एसपी से लगाई गुहार, 17 जून को प्रमोद शर्मा की लाश एक भट्टे में पास मिली। गाजियाबाद में लोहे के सरिये से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को टैंकर ने मारी टक्कर, 9 घायल। गोंडा में सांसद प्रतिनिधि कैसरगंज सुनील सिंह ने फीता काटकर निःशुल्क आर्मी प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। श्रावस्ती में कोटेदार का गरीब राशन कार्ड धारकों को अनोखा फरमान, पहले भूसा लाओ तभी मिलेगा राशन। लखनऊ के द स्टॉपर से सीएम ने की बातचीत, पूछा 7 बजे क्यों सोकर उठते हैं, पहले क्यों नहीं उठ जाते। बस्ती में पिकअप ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, 2 सगे भाई समेत 3 की मौत। नाव में हरे पेड़ काटने पर नपेंगे बीट के सिपाही और दरोगा, एसपी ने थानेदारों को किया सख्त निर्देश। वाराणसी के झुंझुनवाला पशु आहार कार्यालय में लगी आग, 10 कंप्यूटर 12 एसी और कई दस्तावेज जलकर राख। एमपी से झांसी आए 4 मजदूरों की हादसे में मौत, आधे घंटे तक गाड़ी के नीचे दबे रहे 6 लोग। यूपी की बहू बनी नेहा सिंह राठौर, यूपी में काबा गाने में चर्चा में आई थी, अंबेडकर नगर के हिमांशु से की शादी। ललितपुर में 1 जुलाई से वृक्षारोपण कार्यक्रम की होगी शुरुआत, 1 महीने में रोपे जाएंगे 65,74,722 पौधे। बुलंदशहर में जिला जज डीएम और एसएसपी ने किया कारागार का निरीक्षण, कैदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन भेजने का निर्देश। मऊ में मुख्तार की पत्नी के 3.76 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने जारी किया आदेश। बाराबंकी में छेड़छाड़ के आरोपियों को चप्पल से पीटने, अकेली महिला ने 2 युवकों को मारे 19 चप्पल। चित्रकूट में फांसी से लटकता मिला युवक का शव, कमरे में पंखे के सहारे लटक रहा था युवक, घर वाले शादी में गए थे। सीतापुर में पीएम सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 6 गिरफ्तार, इंडियन आर्मी के नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर बस ने बाइक में मारी टक्कर, 2 छात्रों की मौके पर मौत, बस के पहिए के नीचे आई बाइक। हरदोई में पारिवारिक विवाद में ससुर ने बहू को मारी थी गोली, 1 आंख से दिव्यांग है 90 साल का गफूर। अमेठी में कार की टक्कर से युवक की मौत, सफारी ने बाइक में टक्कर मारने के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग गया। गोरखपुर में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना का खतरा, 4 महीने बाद मिले 24 घंटों में 19 पॉजिटिव केस। शाहजहांपुर में 2 करोड़ के चरस के साथ बुजुर्ग महिला गिरफ्तार, लखीमपुर में सस्ते दाम पर खरीदकर महंगे दाम पर बेचती थी। शामली के कांधला में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। चंदौली में दीवार तोड़कर घर में घुसे चोर, 5 लाख की नकदी सहित आभूषण की चोरी, छत पर सो रहा था परिवार। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में इलाज न मिलने से मासूम की मौत, जुड़वा बच्चों की हालत बिगड़ने से परिजन लाए थे। मुरादाबाद में घरों में दौड़ा करंट, 2 की मौत, पानी पीने के लिए नल छूटे ही झुलसा किसान। जौनपुर में घूस मांगने पर नेवाड़िया थाने का दरोगा निलंबित, रुपए मांगने पर ऑडियो वायरल हो पर एसएसपी ने की कार्रवाई।
मुजफ्फरनगर में अवैध उगाही के खालापार चौकी प्रभारी चार सिपाही लाइन हाजिर, गांजा की तस्करी में जेल भेजने की दी थी धमकी। फिरोजाबाद में बेटे की हत्या में पिता गिरफ्तार, फिरोजाबाद में चार माह पहले बेटे ने बेटे को लड्डू में दिया था जहर। अमरोहा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, धड़ल्ले से कई गांवों में चल रही जेसीबी, पूरी रात दौड़ रहे मिट्टी के लदे डंपर। मुरादाबाद में कपूर कंपनी पंप के मालिक पर बहू ने कराई एफआईआर, बोली मुझे बाल पकड़कर घसीटते थे। कानपुरी में प्रेमी युगल ने खाया जहर, विवाहिता पांच दिन में थी लापता, पेड़ के नीचे बेहोशी के हालत में मिले दोनों। गोंडा में मिले पांच कोरोना संक्रमित मरीज में संख्या बढ़कर हुआ 14 जिला, जेल में पांच कैदी पाए गए एचआईवी पॉजिटिव। महाराजगंज सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा, सुबह टहलने के लिए निकली थी दोनों। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में टैंकरों से तेल चोरी की खरीद फरोख्त का वीडियो वायरल, क्राइम ब्रांच से लेकर थाने तक के रेट का जिक्र, पुलिस ने वीडियो को बताया गलत। फरुखाबाद में 27 को बैंकों में रहेगी तालाबंदी, सेठ गली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर आज करेंगे प्रदर्शन। आजमगढ़ व रामपुर में गांव गांव सपाइयों ने झोंकी ताकत, अखिलेश आजम की प्रतिष्ठा दांव पर। मेरठ पुलिस ने सोतीगंज के 18 कबाड़ियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा, कईयों पर गैंगस्टर का मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में भाजपा विधायक सहित 18 पर एफआईआर, वेयरहाउस कब्जा करने पर कोर्ट ने दिया आदेश। अयोध्या में पुलिस क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षण का फेरबदल, डॉक्टर राजेश तिवारी बने अयोध्या के सीओ। कानपुर हिंसा का बड़ा फाइनेंसर अरेस्ट, एसआईटी ने हिंसा के 19 दिन बाद की गिरफ्तारी, शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी आरोप है मुख्तार बाबा। किन्नर का धर्मांतरण कराने का आरोप, प्रयागराज में जबरदस्ती मांस खिलाकर बदलाया धर्म, मारपीट का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के 75 बड़े जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीम। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस